children, so yesterday we started new chapter, that is chapter number 11, birds, and we learn about what is called bird, okay, how they look, what are the characteristics of birds, right? So today we are going to start kinds of feathers. Read the spelling. Flight, F-L-I-G-H-T, flight.
और उनकी टेल होती है उसके पास लगे होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। वो क्या काम में आते हैं बर्ड्स को? उड़ने के लिए, राइट? समझ में आ गया सबको? yes. चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखेंगे अने सी दिस इज डाउन फेदर्स। देखो कैसा छोटा होता है एंड फ्लफी ऑल्सो। चलो ये बॉडी फेदर्स और ये दिया, राइट? विच हेल्प देम टू फ्लाई। उसी वजह
वजह से बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। आप फ्लाई कर सकते हो? अच्छा मैं आपको विंग्स दे दूं तो आप फ्लाई करोगे? नो। क्यों? बिकॉज जो हमारे बोन्स हैं वो होलो नहीं है एंड दे आर नॉट लाइट वेट। हमारे बोन्स हैवी है ना, तो इसीलिए अगर हमें भी विंग्स मिल जाए ना देन ओनली वी आर नॉट एबल टू फ्लाई ना। चलो नाउ द टेल ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। व्हाट इज टेल? उनकी जो लास्ट में होती है ना छोटी वाली दैट इज टेल। टेल ऑफ बर्ड्स, व्हाट इज द यूज ऑफ टेल पता है आपको? टेल से उन लोग क्या करते हैं? दे हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन। कहीं से उनको डायरेक्शन में लेफ्ट जाना है राइट जाना है तो दे कैन चेंज द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ टेल। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। सम बर्ड्स लाइक स्वेलोज एंड क्रेन्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं, क्या नाम होता है बर्ड्स का? स्वेलोज एंड क्रेन्स। वो क्या करते हैं? दे कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, बहुत लंबे तक फ्लाई कर सकते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट। बर्ड्स लाइक हेंस एंड पीकॉक। हेंस मतलब मुर्गी, वेरी गुड। पीकॉक सबने देखा है ना, वेरी कलरफुल बर्ड एंड वेरी बिग ऑल्सो। ओके, तो हेन इज अ स्मॉल बर्ड, छोटी होती है ना, एंड पीकॉक इज अ बिग बर्ड, राइट? तो हेंस एंड पीकॉक्स कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा ही उड़ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हेंस आर स्मॉल बट दे आर वेरी हैवी इन वेट, उनका वेट ज्यादा होता है। व्हाई? पीकॉक आर बिग बर्ड्स और उनका भी वेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनके पीछे पंख बड़े बड़े होते हैं ना, वेरी लॉन्ग फेदर्स दे हैव, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो हैविंग हैवी वेट। उनके फेदर्स का वेट ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, छोटा सा ही उड़ सकते हैं, राइट? चलो नाउ ईगल्स एंड वल्चर्स आर एक्सेलेंट ग्लाइडर्स। ईगल्स एंड वल्चर्स एक्सेलेंट ग्लाइडर्स मतलब बहुत अच्छा फ्लाई, ऊंचे तक फ्लाई कर सकते हैं। Some birds like ostrich and kiwi cannot fly at all. जो ostrich और kiwi जो होते हैं ना, देखा है आपने ostrich? Yes. टीचर ने कल पिक्चर में बताया था, देखा ना सबने? Yes. ostrich और kiwi, kiwi is the name of the bird. अने kiwi नाम का फ्रूट भी होता है और kiwi नाम का बर्ड भी होता है। kiwi the bird is found in where? न्यूजीलैंड, है ना? न्यूजीलैंड जो कंट्री है ना, वहां पे कीवीज जो एनिमल है, बर्ड है, वो बहुत देखा जाता है। ओके, सो ऑस्ट्रिच सबने देखा है, ऑस्ट्रिच एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी हैवी इन वेट, बहुत हैवी है कि वो लोग जरा सा भी उड़ नहीं सकते। दिस हैंस एंड पीकॉक तो थोड़ा सा भी शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई कर सकते हैं, दिस कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। दोज हू आर बर्ड्स, बर्ड्स हैं, उनके फेदर्स भी हैं, फिर भी वो फ्लाई नहीं कर सकते। ओके,
Hummingbird is the only bird that can fly backwards. Backwards आपको पता है? Yes. हाँ, fly करते हैं तो हम आगे fly करते हैं ना? तो जो hummingbird है, छोटा सा होता है hummingbird. वो क्या कर सकता है? Back fly भी कर सकता है. जैसे swimming में हम आगे कर सकते हैं ना? हाँ, और back stroke होता है ना? वैसे ही यहाँ पे backward भी fly कर सकते हैं. कौन? Hummingbird. Okay, चलो अभी देखें कि आगे क्या है. ये देखो कौन है ये हमिंगबर्ड. ये है ईगल्स और ये ऑस्ट्रिच है ना. तो ये हमिंगबर्ड है वो क्या कर सकता है? पीछे भी फ्लाई कर सकता है ना. कैसे फ्लाई करेगा? बैकवर्ड पीछे अने? और ये ईगल दे कैन फ्लाई, दे आर एक्सेलेंट ग्लाइडर्स. बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं. एंड सी द ऑस्ट्रिच अने? वो भी फ्लाई कर दौड़ रहे हैं. ओके, नाउ बीक्स ऑफ बर्ड्स ऑनवर्ड्स वी विल लर्न टुमारो. यू हैव टू कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ दिस फर्स्ट period in your notebook. Thank you.